हेलो फ्रेंड्स, सो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पीएचपी में इनहेरिटेंस क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं इनहेरिटेंस और किस तरह से इनहेरिटेंस को इंप्लीमेंट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज इनहेरिटेंस। वन ऑफ द मेन एडवांटेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज द एबिलिटी टू रिड्यूस कोड डुप्लीकेशन विद इनहेरिटेंस। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो कि हमको पीएचपी 5 से मिलता है, फीचर्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो फीचर्स अवेलेबल हैं वो पीएचपी 5 से मिलना स्टार्ट होते हैं। एंड उसका जो एक सबसे अच्छा जो एक मींस एडवांटेज है वो कोड को रिड्यूस करने का, मतलब डुप्लीकेशन जो है बार बार कोड को रिपीट करना जो है वो उसमें रिड्यूस किया गया है। एंड उसके लिए कॉन्सेप्ट लेके आए वो लोग जिसे हम कहते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में क्या होता है, In inheritance, we have a parent class with its own methods and properties and a child class or classes that can use the code from the parent class. So inheritance में क्या है कि एक parent class होती है and उसकी कुछ अपनी properties, कुछ methods होते हैं and जो child class जो होती है वो child class उस parent class के वो properties और methods को use कर सकते हैं पेरेंट क्लास के जो, और हम इसको कहें कि प्रॉपर्टीज और मेथड्स को इनहेरिट कर। बाय यूजिंग इनहेरिटेंस वी कैन क्रिएट अ रीयूजेबल पीस ऑफ कोड दैट वी राइट ओनली वंस इन द पेरेंट क्लास एंड यूज अगेन एज मच एज वी नीड इन द चाइल्ड क्लासेस। सो इनहेरिटेंस का यूज करके हम रीयूजेबल कोड लिख सकते हैं, और इसमें क्या होता है कि हम जो भी हमें कॉमन कोड जो है जो कि हमें हमारे जो चाइल्ड क्लासेस में यूज करना है वो हम पेरेंट क्लास में लिखते हैं वंस, एंड जितनी बार हम चाहिए वो हमारे जो भी चाइल्ड क्लासेस हैं वो सारे चाइल्ड क्लासेस उन प्रॉपर्टीज और मेथड्स को रीयूज कर सकते हैं। व्हेन यू एक्सटेंड अ क्लास, सो इनहेरिटेंस क्या करते हैं, जब हम लोग किसी पेरेंट क्लास को किसी सब क्लास और चाइल्ड क्लास में इनहेरिट करते हैं दैट मीन्स हमें एक एक्सटेंड कीवर्ड यूज करना होता है। सो व्हेन यू एक्सटेंड अ क्लास द सब क्लास इनहेरिट्स ऑल ऑफ द पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड मेथड्स फ्रॉम द पेरेंट क्लास। सो जो हम किसी पेरेंट क्लास से सब क्लास में जो इनहेरिट करते हैं तो पेरेंट क्लास के जो भी पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड मेथड्स हैं वो सारे हम इनहेरिट्स करते हैं वहाँ से। चाइल्ड क्लास कैन हैव इट्स ओन मेथड्स टू, चाइल्ड क्लास के अपने भी मेथड्स हो सकते हैं, अपनी कुछ प्रॉपर्टीज हो सकती हैं विच विल नॉट बी अवेलेबल टू द पेरेंट क्लास, जो कि पेरेंट क्लास को अवेलेबल नहीं हो सकती। इसका मतलब हुआ कि हम पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास में तो इनहेरिटेंस होगा, मीन्स हम उसकी प्रॉपर्टीज मेथड्स को इनहेरिट कर सकते हैं, बट चाइल्ड क्लास से पेरेंट क्लास में हम कुछ भी इनहेरिट नहीं कर सकते। चाइल्ड क्लास कैन ऑल्सो override a method defined in the parent class and provide its own implementation for it. So, इसका मतलब समझते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि child class क्या है, कोई method को जो कि parent class में defined है but उसको child class में वो override, मतलब उसकी जो definition है उसको override कर सकता है और वो अपना implementation उसमें कर सकता है, अपने तरह से उसको डिफाइन कर सकता है। सो फ्रेंड्स एक एग्जांपल से समझते हैं। सो फॉर एग्जांपल एक ह्यूमन क्लास है एंड उस ह्यूमन क्लास के अपने कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, जैसे कि उसका कुछ नेम है, उसके हैंड है, लेग्स, आईज, ईयर्स, ये सब उसकी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं एंड उसके कुछ अपने मेथड्स हैं, मीन्स कुछ बिहेवियर, जैसे कि वॉक करता है वो, हेयर, सी, ईट, ये सब उसके कुछ मेथड्स हो सकते हैं। सो अब ये ह्यूमन जो है एक कॉमन क्लास है एंड इसका जो एक पेरेंट क्लास है एंड इसकी चाइल्ड क्लास मेल हो सकते हैं एंड मेल के भी अपने कुछ सेम मींस प्रॉपर्टी हो सकती है, नेम, हैंड, लेग्स, आईज, ईयर्स एंड कुछ बिहेवियर और कहें मेथड्स, वॉक, हियर, सी, एंड सेम एक क्लास हो सकती है फीमेल एंड फीमेल ने भी सारी ये जो प्रॉपर्टीज है वो इसको इनहेरिट करता है, जैसे कि उसकी नेम, हैंड, लेग्स एंड फीमेल के भी कुछ अपने बिहेवियर और मेथड्स होते हैं जो कि हम ह्यूमन क्लास से इनहेरिट करते हैं, वॉक, हियर, सी
एंड मेल और फीमेल के अपने इंडिविजुअल भी कुछ अपने प्रॉपर्टीज हो सकते हैं एंड उनके कुछ अपने मेथड्स हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल किसी बेबी को बर्थ करा सकता है बट मेल नहीं करा सकता है, एंड उनके कुछ अपने एट्रीब्यूट्स डिफरेंट हो सकते हैं। सो बट जो कॉमन एट्रीब्यूट्स या हम कहें प्रॉपर्टीज हैं वो हम ह्यूमन क्लास से इनहेरिट करते हैं, एंड कुछ बिहेवियर कहें या मेथड्स को हम लोग ओवरराइट भी कर देते हैं। सो ये एक सिंपल सा एग्जांपल है समझने के लिए इनहेरिटेंस के लिए कि किस तरह से एक पेरेंट क्लास है ह्यूमन एंड उसका एक चाइल्ड क्लास मेल हो सकती है, एक चाइल्ड क्लास फीमेल हो सकती है, एंड उन्होंने उसके जो कॉमन प्रॉपर्टीज हैं एंड मेथड्स को इनहेरिट किया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स इसी चीज़ को हम लोग अपने एग्जांपल से समझते हैं कि कोड में किस तरह से इनहेरिटेंस को हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इनहेरिटेंस को समझने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने एक फाइल क्रिएट की है, फाइल की लोकेशन कहाँ है, ये फाइल हमने सी ड्राइव के अंदर जेम्प डायरेक्टरी देन एच टी डॉक्स डायरेक्टरी एंड उसके अंदर हमारा है प्रोजेक्ट फोल्डर ऊप्स एंड उसके अंदर हमने एक फाइल क्रिएट किया है इनहेरिटेंस डॉट पी एच पी। इसे यहाँ से क्लोज कर देते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से अपना फाइल में पी एच पी का ओपनिंग टैग स्टार्ट करते हैं। एंड फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले सिंपल सा एक सिंटैक्स देख लेते हैं किस तरह से हम लोग करने वाले हैं। सो सबसे पहले हम यहाँ पर एक पेरेंट क्लास लेंगे एंड पेरेंट क्लास में क्लास ह्यूमन एंड ये पेरेंट क्लास है, एक सिंटैक्स समझ लेते हैं। एंड पेरेंट क्लास के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग एक क्लास मेल है जो कि एक्सटेंड करेगी, एक्सटेंड कीवर्ड यूज़ करेंगे एंड उसके बाद वो किसको करेगी ह्यूमन क्लास के लिए फ्रेंड्स। सो ये हमारा चाइल्ड क्लास हो गया यहाँ पर एक, एंड सेम एक क्लास हम ले सकते हैं यहाँ पर फीमेल जो कि एक्सटेंड करते हैं हमारे ह्यूमन क्लास के लिए, एंड ये अगेन चाइल्ड क्लास है। सो ये फ्रेंड्स एक सिंपल सा सिंटैक्स है जो कि हमें इनहेरिटेंस के लिए हम इसको समझ सकते हैं कि एक ह्यूमन क्लास है एंड दो क्लासेस हैं चाइल्ड क्लास मेल एंड फीमेल जो कि इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। अब कुछ हम इसमें यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने कुछ प्रॉपर्टीज फॉर एग्जांपल यहाँ पर ली पब्लिक डॉलर नेम एंड यहाँ पर हम कुछ मेथड्स भी ले लेते हैं। सो पब्लिक मेथड पब्लिक फंक्शन एक मेथड ले लेते हैं वॉक एंड इस मेथड में फ्रेंड्स हम लोग यहाँ से एक मैसेज प्रिंट करा देते हैं एको कि जो हमारा नाम है नेम। सो इसे किसी तरह से एक्सेस करेंगे डॉलर दिस एरो दे नेम एंड यहाँ पर कॉन्केटनेट करके मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ इज वॉकिंग मीन्स कोई नेम है एंड वो वॉक कर रहे हैं फ्रेंड्स। इसके साथ मैं एक बी आर भी दे देता हूँ लास्ट में जिससे कि हमें एक न्यू लाइन मिल जाए। सो ये एक वॉक मेथड हमने यहाँ पर पब्लिकली एक एंड एक फंक्शन और ले लेते हैं उनके भी मीन्स एक फंक्शन टॉक कर सकते सो यहाँ पर सेम हम यहाँ से एको करा देते हैं डॉलर दिस एरो ऑपरेटर नेम कॉन्केटनेट स्ट्रिंग को इज टॉकिंग फ्रेंड्स सेम इसमें भी हम बी आर दे देते हैं जैसे न्यू लाइन में हमें। सो हमने एक ह्यूमन क्लास ली है क्लास ह्यूमन पब्लिक एक प्रॉपर्टी ली है पब्लिक नेम अभी हमने उसको नाम नहीं असाइन किया है एंड फ्रेंड्स यहाँ पर एक फंक्शन लिया है और कहें मेथड वॉक इसमें एक सिंपल सा मैसेज दिया है सेम हमने यहाँ पर दिया। अब फ्रेंड्स अभी मैंने यहाँ पर इस क्लास को ह्यूमन क्लास को यहाँ पर एक्सटेंड किया है मेल ने भी
एंड फीमेल ने भी। सो अगर हम सिंपल सा एक मेल का मैथ ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, सो डॉलर मेल मेल इक्वल्स टू न्यू मेल क्लास। एंड फ्रेंड्स अगर हम इस मेल क्लास की जो ये पेरेंट क्लास की जो ये पब्लिक प्रॉपर्टी नेम है, इसको मैं यहाँ पर कुछ वैल्यू असाइन करना चाहता हूँ, तो मैंने क्या किया यहाँ पर डॉलर मेल एंड इस ऑप इससे हम उसकी पब्लिक प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं। तो नेम एंड नेम को मैंने यहाँ पर कुछ नेम दे दिया पंकज। ओके फ्रेंड्स देन हमने उसके कुछ मेथड को मैंने यहाँ पर कॉल किया डॉलर मेल एंड वॉक। एंड सेम हम उसके दूसरा मेथड भी यहाँ पर कॉल कर सकते हैं मेल का मेल एंड टॉक। सो फ्रेंड्स अभी हमने यहाँ पर मेल क्लास के अंदर कुछ भी यहाँ पर कुछ अपना मेल क्लास के अपने कोई प्रॉपर्टी नहीं डिक्लेयर की, ना ही कोई मेथड डिक्लेयर किया, हम जस्ट उसको इनहेरिट कर रहे हैं ह्यूमन क्लास को। सो अभी हम ये ब्राउजर पर चल के देखते हैं कि आउटपुट क्या मिलता है। हमने यहाँ पर एक जो नेम प्रॉपर्टी उसको कुछ नेम असाइन किया यहाँ पर। सो फ्रेंड्स यहाँ ब्राउजर पर जाते हैं एंड यहाँ पर टाइप करते हैं लोकल हॉस्ट स्लैश स्लैश इनहेरिटेंस डॉट पी एच पी। एंड फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मैसेज आता है पंकज इज वॉकिंग पंकज इज टॉकिंग। अब सेम यहाँ पर हम फीमेल क्लास के लिए भी कर सकते हैं। सो फीमेल क्लास ने भी सेम चीज़ों को इनहेरिट किया हुआ है, उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं मेथड्स हैं। सो अभी के लिए अगर हम एक दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं डॉलर फीमेल एंड न्यू फीमेल क्लास एंड इसके ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है। एंड सेम फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर जहाँ जहाँ मैंने मेल से यूज किया है, सो यहाँ पर सेम चीज़ों को हम यहाँ से फीमेल से भी, सो अभी के लिए मैं इसको कमेंट कर देता हूँ फ्रेंड्स। एंड यहाँ पर अगेन डॉलर फीमेल एंड एक नेम एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पर नेम को सेट कर देते हैं। सो यहाँ पर नेम में हम दे देते हैं कोई नाम मैरी मैरी, मैंने कोई फीमेल नेम यहाँ पर असाइन किया है फ्रेंड्स। एंड इसके मेथड्स को कॉल करते हैं फीमेल वॉक डॉलर फीमेल टॉक। एंड फ्रेंड्स ब्राउजर पे चल के देखते हैं सेव कर देते हैं ब्राउजर पे चल के देखते हैं क्या रिजल्ट आता है यहाँ पर मैन इज वॉकिंग मैन इज टॉकिंग। सो फ्रेंड्स इस तरह से देखिए कि हमने एक क्लास ली है एंड उसको दो चाइल्ड क्लासेस ने एक्सटेंड किया है और कहें इनहेरिट किया, उसके जो मेथड्स हैं उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उसको इनहेरिट। सो फ्रेंड्स ये था सिंपल इनहेरिटेंस का। अब हम अगर चाहें तो इन जो मेथड्स हैं उसको कोई क्लास किस तरह से ओवरराइड कर सकते हैं या फिर उसका अपना मतलब, जैसे कि फॉर एग्जांपल चाइल्ड क्लास के अंदर हमने यहाँ पर मैंने किया पब्लिक फंक्शन एंड वॉक को लिख दिया एंड वॉक मेथड को मैंने अपने तरीके से यहाँ डिफाइन करना चाहता हूँ। अब मैं उसको मैसेज कैसे देना चाहता हूँ, सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक मैसेज एको करा दिया I am a male. I walk my own style. और यहाँ हम अपना ऐसे भी कर सकते हैं कि डॉलर नेम जो है हमारा दिस नेम को हमने इस तरह से कॉन्केटनेट करा दिया एंड मैसेज को कुछ डिफरेंट कर दिया उससे आई एम अ
Yeah, my name is, and I work my own style. So अगर ये वाला जो फ्रेंड्स अभी हम फिर से मैरी को कमेंट कर देते हैं एंड जो मेल वाला मेथड था हमारा उसको हम इसको भी कमेंट कर देते हैं फिलहाल के लिए. मेल से समझ लेते हैं कि मेल क्लास में हमने क्या किया है. एक वर्क मेथड को अपना वर्क मेथड हमने लिखा है एंड अभी हमने इसका जो ऑब्जेक्ट है मेल का एंड नेम पंकज है और ये क्या मैसेज मिलेगा हमें. सो यहाँ से रिफ्रेश किया, आई एम पंकज, आई वर्क माई ओन स्टाइल. एंड फ्रेंड्स सेकेंड वाला जो यहाँ से कॉल हो रहा था इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, मैं इसमें लाइन ब्रेक कर देता हूँ. सो फर्स्ट वर्क के लिए यहाँ पर है टॉक का अपना जो था वो सेम मैसेज आ रहा है. सो आई एम पंकज, आई वर्क माई ओन स्टाइल. सो इस तरह से हम अपने जो इसका मेथड था उस मेथड को हमने ओवरराइड कर दिया एंड अपना ओन इम्प्लीमेंटेशन हमने यहाँ पर कर दिया. सेम फीमेल में भी कर सकते हैं. सो फीमेल में फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर टॉक के लिए कर लेते हैं. पब्लिक फंक्शन टॉक हमने यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं मैसेज दे देता हूँ फ्रेंड्स यहाँ पर, आई एम अ फीमेल, माय नेम इज डॉट डॉलर दिस नेम एंड फ्रेंड्स यहाँ पर आई कैन स्पीक इंग्लिश वेल. सो अपने कोई हमने टॉक के लिए कोई एक मैसेज दे दिया है, आई एम ए फीमेल. तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने फीमेल क्लास के अपना एक टॉक मेथड का इम्प्लीमेंटेशन किया है. मीन्स हमारा जो पेरेंट क्लास में जो टॉक मेथड था उस मेथड को ओवरराइड करते हुए हमने अपना इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर लिखा है. तो फ्रेंड्स अगेन हम इस मेल को हमने यहाँ पर कमेंट कर देते हैं एंड फीमेल को ऑन कर लेते हैं एंड सेम यहाँ पर भी मेल का जो मेथड था एंड फीमेल के हमने यहाँ पर ऑन करके एंड इसको भी कमेंट कर देते हैं फ्रेंड्स. सो अब फीमेल से समझते हैं. फीमेल में हमने यहाँ पर भी फ्रेंड्स मैं न्यू लाइन के लिए br डाल देता हूँ जिससे कि न्यू लाइन में आएगा ये. सो अभी अब देखते हैं टॉक मेथड क्या करने वाला है यहाँ पर. मैरी इज वर्किंग, आई एम ए फीमेल, माई नेम इज मैरी, आई स्पीक इंग्लिश वेल. सो अब ये वाला हमारा ओवर राइट हो गया. सो फ्रेंड्स ये इस तरह से हम किसी मेथड को ओवर राइट कर सकते हैं. एंड फ्रेंड्स यहाँ पर ये तो बात हो रही है हम लोग पब्लिक लिए है. अगर हम जो पेरेंट एंड जो पेरेंट में हमारा पब्लिक और प्रोटेक्टेड होते हैं उन्हीं प्रॉपर्टीज और मेथड्स को हम लोग इनहेरिट कर सकते हैं चाइल्ड क्लास में. कभी भी हम लोग प्राइवेट प्रॉपर्टीज और मेथड्स को इनहेरिट नहीं कर सकते. उसको भी समझ सकते हैं हम इससे कि हम यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर पब्लिक लिया है सो पब्लिक को हम लोग यहाँ प्रोटेक्टेड भी कर सकते थे. सो ये एक सिंपल सा इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है फ्रेंड्स. आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया हो किस तरह से हम लोग इनहेरिटेंस को यूज कर सकते हैं. सो यहाँ पर अगर आप देखें कि कोड का रियूजबिलिटी किस तरह से हो रही है कि हमने यहाँ पर अपने मेथड्स को डिफाइन किया था पेरेंट क्लास में एंड चाइल्ड क्लास में विदाउट एनी इम्प्लीमेंटेशन और उसके कुछ नहीं करके हम उसको यूज कर पा रहे थे अपने चाइल्ड क्लासेस में. सो ये एक सिंपल सा इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है. आई होप कि फ्रेंड्स आपको समझ में आएगा. अगर आपके मन में कोई भी सवाल है कोई क्वेरी है इसको लेकर सो प्लीज़ हमें कमेंट में पोस्ट करिए. एंड फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फाइनल कीवर्ड क्या होता है, किस तरह से फाइनल कीवर्ड का यूज़ करते हैं.